गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, वेलकम, जय हिंद सभी को और न्यू ईयर की बेस्ट विशेस। ओके, चलिए जय हिंद। तो हम टॉपिक कर रहे थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और ज्योग्राफी में एक चीज याद रखिएगा, मैप से स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, जय हिंद एवरीवन। देखिए क्या है, बेसिकली अगर आप मैप के थ्रू स्टडीज कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग थ्रू मैप, तो मैप से आपको लोकेशन पता लगती है कि वो चीज कहां पर है, जो याद करने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा, इस लोकेशन के साथ साथ जैसे मैंने पढ़ाया आपको वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक, तो वहां की क्लाइमेट कैसी उस एरिया की, क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, लोकेशन बेस्ड स्टडी जब आप करते हैं किसी की, किसी भी कॉन्टिनेंट की, या इंडियन ज्योग्राफी में आप लोकेशन से स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी बेस पर आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पुराने क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपको दिखाई देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं स्पेशल एक सेशन लेकर आया हूं ये अबाउट द मैपिंग, और उसको करवाने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है। जैसे अभी फर्दर सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, आफ्टर 30 डेज, 30 दिन में हमें सिलेबस को खत्म करना है। सो टारगेट यही है कि ज्योग्राफी में मैपिंग वाला सेक्शन मैं टैकल कर रहा हूं। ओके, चलिए तो फटाफट क्लास को पहले शेयर कर दीजिए एंड देन वी स्टार्ट टूडेज कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, अब देखिए आपसे मैप बेस्ड स्टडी करवा रहा हूं मैं, तो इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार वो कंट्रीज को दे देता है, देश, उसकी राजधानी, कैपिटल, कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, या उस कंट्री की सबसे बड़ा शहर, द बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट सिटी, ठीक, कौन सा बड़ा शहर है, प्राइमेट सिटी कौन सी है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है। मैप बेस आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। आज मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो 14 देश हैं, उनको हम याद करेंगे विद देयर कैपिटल, तो हमारा कंट्री एंड कैपिटल वाला सेक्शन इसमें आता है। दूसरा, फिर हम जाएंगे इसके फिजिकल पार्ट पर, फिजिकल पार्ट, जैसे कौन कौन से माउंटेन, रिवर, लेक, डेजर्ट, मरुस्थल कहां पर है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डेजर्ट का नाम दे देगा, ये डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट पर है या कौन से कंट्रीज में है। अगर सिंगल कंट्री में हुआ तो सीधा कंट्री पूछता है वो, ठीक है। और ये अगर आपको पता है माउंटेन, रिवर, लेक, डेजर्ट, ठीक, वॉलकैनो, ज्वालामुखी, इस तरह की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा मैप से ही हम करेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, अगर कोई बढ़िया इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल रहे हैं तो मिनरल्स की स्टडी भी इसी से कर लेंगे। तो ज्योग्राफी में बेसिकली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब रेदर देन, यस एवरीवन, हाँ, ऑक्सफोर्ड एटलस एंड मैप, यू कैन यूज इट वेरी इजीली, ऑक्सफोर्ड एटलस आप यूज कर सकते हैं, और इससे भी बेटर एक तरीका और हो सकता है, अपने हाथ से मैप ड्रॉ कीजिए। जैसे यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो आई एम प्रोवाइडिंग सम मैप्स, आप उसको अपने हाथ से बनाइए जैसा मैं बना रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा मैप जैसा बन जाए, हमें अपना काम चलाना है, ठीक है। आपको एग्जाम में जाकर कहीं मैप बनाना नहीं है, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैप बेस्ड रहेंगे। तो सीधा सीधा आते हैं हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर और उसके बारे में बात करते हैं। यस, दिस क्लास बिलोंग टू बोथ क्लासेस। ओके, ये इंग्लिश हिंदी वाली लड़ाई हमारी चलती रहेगी बहुत लंबी। देखिए यहां पर एक कॉन्टिनेंट बना रहा हूं, दैट इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कुछ कुछ ऐसी शेप है उसकी। चलिए
देखिए हाथ से ड्रॉ किया वो मैप, सिंपल मैप, रियल में साउथ अमेरिका कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, इट्स ए ब्लैंक मैप ऑफ साउथ अमेरिका। अब इस मैप के दो तरह के फीचर्स आप जानते होंगे, एक ये मैप अलग अलग कलर से अलग अलग बाउंड्री दिखाएगा, दैट इज पॉलिटिकल मैप, और इसमें अगर माउंटेन्स वगैरह होंगे दैट इज अ फिजिकल मैप। ओके चलिए, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं कौन कौन से मैप कैसे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका के चारों तरफ देखना है कि पहले क्या क्या है, क्या कुछ है साउथ अमेरिका के चारों ओर। तो याद रखना साउथ अमेरिका के एक तरफ पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। अब आप बताएंगे कौन सी डायरेक्शन है ये, ये कॉन्टिनेंट सामने है आपके, इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर, ईस्ट पार्ट में अटलांटिक ओशियन, ईस्ट पार्ट में अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ठीक, नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, यहां पर आपको दिखाई देगा कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। ठीक है, कैरेबियन सी, यस एवरीवन। हाँ कोई बात नहीं, हम रेखा दुबे, ये क्लासेस सबके लिए है। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सब सिस्टम सेम है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा हम नॉर्थ में जाएंगे, थोड़ा सा हम नॉर्थ में जाएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, तो यहां हमें इस तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाई देती है, और यहां एक कंट्री है मैक्सिको, यहां पर एक कंट्री है मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और ये बीच वाला जो एरिया है, ये बीच वाली गर्दन सी जो हमने बनाई है, दिस एरिया, इसे हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में छह सात कंट्री हैं, सात कंट्री हैं जो बेसिकली स्पेन के कंट्रोल में थे, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेन, सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ में है मैक्सिको, ये पार्ट है एक अलग कॉन्टिनेंट का, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, ये किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, पानी वानी हमने देख लिया, घुसरे कंट्रीज में आपका नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, और यहां पर है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका 13 देश। ठीक, ये सब मिलाकर मतलब मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री और साउथ अमेरिका, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है लैटिन अमेरिका, दे आर बेसिकली नोन एज लैटिन अमेरिका। क्लियर पॉइंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, लव यू ऑल। चलिए, तो याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैक्सिको पार्ट, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसे हम कहते हैं लैटिन अमेरिका, और इसमें आप इंक्लूड कर दीजिए यहां पर कुछ छोटे छोटे कंट्री हैं, इनमें से आप एक आध का नाम जानते होंगे, वेस्ट इंडीज, नाम सुना है वेस्ट इंडीज, कैरेबियन कंट्री कहते हैं इनको, वेस्ट इंडीज, और यहां पर और भी कंट्री है दो तीन, जमैका वगैरह। तो ये वेस्ट इंडीज वाला जो पार्ट है इन्हें हम कहते हैं कैरेबियन देश। ऐसी कई चीजें आपसे पूछी जाती है कि कैरेबियाई कंट्री कौन से हैं या कहां पर हैं, तो कैरेबियाई देश साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में है, इसलिए नाम पड़ा कैरेबियन सी। लेकिन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका आर कंबाइंडली नोन एज द लैटिन अमेरिका। ओके चलिए, थोड़ा समझ में आ रहा है पॉइंट, हम कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़े फीचर्स हम देखते हैं। यह आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके कंट्री कैपिटल हम करेंगे। देखिए
साउथ अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, फोर्थ बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा आपका एशिया है, एशिया के बाद आता है अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। यस प्लीज हैप्पी न्यू ईयर से वापस आइए, थोड़ा बाहर क्लास में ध्यान देते हैं, टाइम कम है आप लोगों के पास। तो देखिए, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और बाकी मैंने आपको बता दिया कैरेबियन सी, अटलांटिक, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर कहां कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर यह पॉइंट लिखा हुआ है, यहां पर यह पॉइंट लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इट इज नोन एज द लैटिन अमेरिका। ये वर्ड आपसे पूछा जाता है, लैटिन अमेरिका। चलिए तो हमें सेंट्रल अमेरिका से देखना स्टार्ट करना होगा। यह आपके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का मैप है। मैंने बताया था सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्री हैं। ओके, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट। देर आर 7 कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका, टोटल 7 देश हैं सेंट्रल अमेरिका में, ठीक। और ये 7 देश जो हैं, इनको कंट्रोल करता था स्पेन। याद होगा पुराने टाइम में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था, इंडिया पाकिस्तान, वैसे ही स्पेन का कंट्रोल था 1600 से लेकर, हम अप्रोक्स मान रहे हैं 1600 से लेकर 1800 तक, लगभग 200 से ज्यादा साल तक इन्होंने राज किया था स्पेन ने, ठीक है। और ये 7 कंट्रीज की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। यस, ओके, तो 7 देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। एक बार क्लास को और शेयर कीजिए। देखिए 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, कुछ नए नाम आपको देखने को मिलेंगे, एल सेल्वाडोर, कोस्टा रिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडारूस, निकारागुआ और पनामा, ठीक है। चलिए, दीज आर द 7 नेशंस, 7 इंपॉर्टेंट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। अब देखिए हम आते हैं साउथ अमेरिकन कंट्री और उनकी कैपिटल पर, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा। मैं एक एक बार कंट्री के नाम लूंगा, आपको करना क्या, वीडियो को थोड़ा बैक करेंगे, 3 बार इस वीडियो को देखेंगे आप, इस पार्ट को 3 बार आपको कंट्रीज और कैपिटल के नाम सुनने, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम ओनली। तो देखते हैं कौन कौन से कंट्री हैं इंपॉर्टेंट, कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, किसी भी एक तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला कंट्री स्टार्ट किया ब्राजील, फर्स्ट कंट्री मैं स्टार्ट करता हूं ब्राजील, ब्राजील, इसकी राजधानी है ब्रासिलिया, कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्रासिलिया, ठीक है। इट इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ब्राजील कंट्री है ब्रासिलिया, और इसका रैंक आता है 5th। ये 2-3 पॉइंट याद रखना, इसका 5th रैंक है किसमें, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से। इट रैंक्स 5th अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखो कोई ट्रिक नहीं कर सकते आप। यस, एक चीज याद रखें, आप कंट्रीज की ट्रिक्स याद नहीं कर सकते, बिकॉज 190 प्लस कंट्री है, 190 कंट्री की ट्रिक कैसे बनाओगे। और ट्रिक से अगर याद भी कर लोगे तो सिर्फ कंट्रीज याद होंगी, बाकी स्ट्रक्चर्स याद नहीं रहेंगी। तो हमें आदत बनानी है इस तरीके से। तो ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए ब्राजील के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आ रहा है यहां पर, उसका नाम है उरुग्वे, उरुग्वे कैपिटल है मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो, उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो। नेक्स्ट हम समुद्र के किनारे किनारे चलेंगे, समुद्र के किनारे किनारे जो कंट्रीज हैं, इसके बाद आएगा आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना,
और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस एरीज या आयर्स कहते हैं इसको। ये कंट्री आपका अर्जेंटीना है, इसकी कैपिटल का नाम है ब्यूनस एरीज या ब्यूनस आयर्स। ठीक, कंट्री नंबर थ्री था ये, थर्ड कंट्री। फोर्थ, यहां पर एक कंट्री है अर्जेंटीना के साथ साथ, काफी लंबी बाउंड्री है उसकी, इसका नाम है चिले या चाइल, चिले कहते हैं इसको, चिली कहा जाता है हिंदी में, चिली। और इसकी कैपिटल है सेंटियागो, सेंटियागो। ओके, चलिए तो याद रखेंगे, उरुग्वे मोंटेवीडियो, अर्जेंटीना ब्यूनस आयरस, चिली सेंटियागो। अगला देश आएगा पेरू, पेरू, और पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा। दिस कंट्री इज नोन एज द पेरू, ठीक है, इसी नाम से एक ठंडी धारा भी है जिससे डेजर्ट बनता है यहां पर, तो पेरू नाम याद रखेंगे, पेरू की कैपिटल का नाम है लीमा। नेक्स्ट, ये हम समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन द शोर। ये आपका कंट्री है इक्वाडोर, इक्वाडोर, और इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो या क्यूटो, क्यूटो, इक्वाडोर कैपिटल क्यूटो। यस, चिली सेंटियागो, इक्वाडोर क्यूटो, इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है। मैंने बोला इस वीडियो को आप तीन बार देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अगला कंट्री समुद्र के किनारे, दैट इज कोलंबिया, 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 और इसकी राजधानी है बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं वेनेजुएला, अगला कंट्री आपका वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला अमेरिका का काफी बड़ा दुश्मन रहा है बहुत लंबे समय तक, आपस में इनकी फाइटिंग होती थी, तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, कराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। ओके, यस, बोगोटा इक्वाडोर क्यूटो, कोलंबिया की बोगोटो, वेनेजुएला कराकस। उसके बाद एक कंट्री है गुयाना, गुयाना या गुयाना, और इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंट्री आता है सूरीनाम, सूरीनाम, और सूरीनाम की कैपिटल है परामारीबो, परामारीबो या पैरामारीबो। ठीक है, इट इज द कैपिटल ऑफ सूरीनाम। तो ये वो कंट्री हैं जो समुद्र के किनारे किनारे हैं, दीज आर द नेशन, दे आर ऑन द शोर। ठीक है, तो हमने क्या किया पहले फेज में, पहले फेज में हमने क्या किया, हम समुद्र के किनारे किनारे घूमते रहे, और समुद्र के किनारे किनारे जो कंट्री आ रहे हैं उनकी कैपिटल्स को हम याद करते जाएंगे। ठीक है, और आपको इस तरीके से तीन बार ऐसा करना है, यू हैव टू डू इट थ्री टाइम्स। एक और कंट्री है, एक और लैंड का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है यहां पर, यहां पर, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये फ्रांस का पार्ट है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रांस। चलिए, तो आपने समुद्र के किनारे किनारे के सारे देश कर लिए, यानी वो कंट्री है जिनके समुद्र से बाउंड्री लगती है। अब बीच में फंस गए दो कंट्री, बीच में फंस गए दो कंट्री, एक यहां पर और दूसरा ये रहा। दीज आर द टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वो देश जिनकी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती। तो ये दोनों के दोनों कंट्री हो गए लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड, स्थल रुद्ध, हिंदी में कहते हैं इसको स्थल रुद्ध, या इसको कहा जाता है स्थल आबद्ध। वो देश साउथ अमेरिका में जो लैंड लॉक्ड है, स्थल रुद्ध या स्थल आबद्ध है, दैट इज बोलीविया,
बोलीविया नाम आप बाद में भी सुनेंगे मेरे मुंह से, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तो ये है आपका बोलीविया, बोलीविया एंड द सेकंड कंट्री इज पराग्वे। बोलीविया एंड पराग्वे दे आर द लैंड लॉक्ड नेशन, स्थल रुद्ध देश है ये। यस, लैंड लॉक्ड। चलिए, तो दो लैंड लॉक, बोलीविया और पराग्वे। अब बात करते हैं बोलीविया की। बोलीविया तो देखिए, बोलीविया जो है इसकी कंट्री है लापाज। बोलीविया की जो राजधानी है दैट इज लापाज, और दूसरा है पराग्वे। पराग्वे की राजधानी है असंसियन, असंसियान या असंसियन। ठीक है, दीज आर द नेशंस, दीज आर द कंट्रीज जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हिट है, साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं। यस, एसोसिएशन इज द कैपिटल ऑफ पराग्वे। ये तो हो गया आपके लैंडलॉक दो, और बाकी हमने कर लिए समुद्र के किनारे। अब एक और क्वेश्चन बनता है, देखो यहां का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, इट इज द बिगेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका का, बहुत बड़ा कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी लगभग सभी देशों से लगती है, साउथ अमेरिका के सभी कंट्रीज से ब्राजील की बाउंड्री टच होती है, सिर्फ दो कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो, ओनली टू नेशंस। एक कंट्री है आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर क्या राजधानी बताई थी मैंने इक्वाडोर की, क्यूटो। इक्वाडोर की क्यूटो बहुत ऊंची राजधानी है, ये बहुत ज्यादा हाइट पे बसी हुई है। तो एक कंट्री है इक्वाडोर, उसकी बाउंड्री ब्राजील से नहीं लगती, और दूसरा कंट्री है चिली, चिली। तो इस चीज को मैप पर देखना, चिली और इक्वाडोर दोनों की बाउंड्री ब्राजील से नहीं लगती। ठीक है, देयर इज नो बाउंड्री विद ब्राजील। यस, ओके, सॉरी, व्हाइट पेन का इशू है, आई विल चेंज द कलर। आ गया समझ में? तो इस तरह से आपको कंट्रीज की कैपिटल याद करनी है। अभी जो हमने की वो 12 13 कंट्रीज है, 13 कंट्रीज होंगी लमसम, लेकिन अगर आप अफ्रीका करेंगे तो वहां 50 कंट्री है, 50। एशिया करेंगे तो 50। तो कैसे कर पाओगे आप जब तक मैप नहीं करोगे, कंट्री कैपिटल याद नहीं होगी। ठीक, और जब मैं कोई नाम ले रहा हूं आपको अटपटा नहीं लगेगा अब ये नाम। यस, चलिए एक बार क्लास को और दबा के शेयर कर दो इफ यू लाइक इट। ये ट्रिक के तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, देन यू कैन डू योर ड्यूटी, जस्ट लाइक एंड शेयर दिस क्लास, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अटैच हो सके इस क्लास से। यस एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा जाता है, एक लाइन है 0 डिग्री की, यहां पर एक लाइन क्रॉस करती है, दैट इज नोन एज 0 डिग्री इक्वेटर। तो आपसे पूछा जाता है 0 डिग्री पे कौन कौन से कंट्री हैं, इक्वेटर के कौन, इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री हैं, इस लाइन पे कौन कौन से कंट्री हैं। तो हम अगर साउथ अमेरिका कर रहे हैं तो हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज को देख लेंगे, लेकिन हम वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड में भी कुछ कंट्रीज हैं जो इक्वेटर लाइन पर हैं। तो कंट्रीज के नाम बताइए, द कंट्रीज ऑन इक्वेटर। यस, यू कैन से इट्स अ फर्स्ट क्लास ऑन साउथ अमेरिका, पिछली क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए, इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री हैं साउथ अमेरिका में, आपको मैप पे दिखाई दे रहा है। तो याद रखेंगे यहां पर 3 कंट्री हैं जो 0 डिग्री पर हैं, देर आर 3 कंट्रीज ऑन 0 डिग्री। थोड़ा नॉर्थ में जाएगी, सॉरी माई फॉल्ट, ये थोड़ा और नॉर्थ में जाएगी। तो दिस इज लाइन पासेस थ्रू साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका कंट्रीज की बात करें तो ये कंट्री है इक्वाडोर, इक्वाडोर,
कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, दीज आर द थ्री नेशन जहां से 0 डिग्री लाइन इक्वेटर क्रॉस करती है। ठीक है, हिट क्वेश्चन है ये। और अगर हम क्लाइमेट की स्टडी करेंगे, जब हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे, यहां पर याद रखिएगा एक चीज, यू शुड रिमेंबर द थिंग, ये कुछ लोगों को मैं बता चुका हूं, हमारी अर्थ 0 डिग्री और इसके आसपास का जो एरिया है, 0 डिग्री के नियर बाय का जो एरिया है, यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है और गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहां पर रोज शाम को बारिश होती है। यहां पर क्या होता है, रोज शाम को बारिश होती है 4 बजे के बाद, दैट इज नोन एज 4 o'clock रेन। ठीक, क्या होगा, जमीन गर्म होगी क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो पानी इवेपोरेट ज्यादा होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहां जाके बादल बनाएगी। ठीक है, तो गर्मी ज्यादा है तो इस एरिया में लगभग रोज बारिश होती है, 4 o'clock रेन कहते हैं इसको। और इस बेल्ट को हम कह देते हैं द डोल्ड्रम, द डोल्ड्रम बेल्ट, इसे हम कहते हैं द डोल्ड्रम बेल्ट। यस, इट इज नोन एज द डोल्ड्रम बेल्ट। अब रिजल्ट क्या निकलता है, यहां पर रोज बारिश होती है, यहां पर साउथ अमेरिका का वो पार्ट आ जाता है जो 0 डिग्री के पास है। ठीक है, तो जब 0 डिग्री के पास वाला एरिया यहां पर आ जाएगा तो यहां पर बारिश होती है रोज, यहां मिलेंगे जंगल, फॉरेस्ट। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, तो यहां मिलते हैं जंगल, यहां मिलता है जंगल, उस जंगल का नाम है अमेजन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में डोल्ड्रम बेल्ट में एक फॉरेस्ट मिलता है जिसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट। ओके, यहां गर्मी पड़ती है, सर्दी नहीं होती। ठीक है, तो रोज बारिश पड़ेगी, नाम पड़ गया अमेजन फॉरेस्ट, पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे, इसीलिए ये कैसे फॉरेस्ट है, दे आर एवर ग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, सदाबहार वन, अमेजन फॉरेस्ट कहलाते हैं, सदाबहार वन, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। इनका एक नाम और भी है, इन्हीं फॉरेस्ट को जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, इसको कहा जाता है सेल्वास। इनका नाम क्या है दूसरा, अमेजन का ही नाम है सेल्वास, सेल्वास के जंगल। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में यहां पर मिलते हैं सेल्वास फॉरेस्ट, जो कैसे हैं, एवरग्रीन। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहां रोज बारिश होती है। कैसी बारिश है, द टाइप ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल का एक अलग नाम है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, समझ में आ रहा पॉइंट। हमने नाम दिया इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाम दिया हमने इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको कहते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ये वर्षा वन भी कहलाते हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में मिलता है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि सनलाइट इस एरिया में ज्यादा पड़ती है, बारिश रोज होती है, व्हाट इज 4 o'clock रेनफॉल, 4 o'clock रेनफॉल क्या है, कहां पर होती है, तो 4 o'clock इज ए कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट एवरीवन।
यस यस चलिए, तो इनका नाम है सेल्वास फॉरेस्ट। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ एक स्लाइड में नहीं दिखती है, यही फायदा है ड्राइंग के थ्रू स्टडी का, ड्राइंग्स के थ्रू स्टडी का यही फायदा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन याद हो जाएगा सीधा सीधा। यस एवरीवन प्लीज शेयर इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर आते हैं हम लोग। चलिए तो जीरो डिग्री पे कौन कौन से कंट्री हैं, मैंने बताया आपको जीरो डिग्री के कंट्रीज। तो साउथ अमेरिका में तीन कंट्री हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ऐसे ही अफ्रीका में सबसे ज्यादा 7 देश हैं, तो अफ्रीका में करेंगे इसको हम। 7 कंट्रीज इन अफ्रीका, 7 देश हैं अफ्रीका के जो इस लाइन के ऊपर हैं। इसके अलावा इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के अंदर अगर देखें तो ये 3 देश और आते हैं। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 13 कंट्रीज, 13 देश, ठीक है, 13 देश जो जीरो डिग्री पे हैं, 13 कंट्रीज ऑन और इक्वेटर। तो आज हमारा कंसर्न सिर्फ साउथ अमेरिका से है, तो हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज को याद करेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। स्लाइड आपको मिल जाएगी तो इसमें आप 7 कंट्रीज चाहें तो और याद कर सकते हैं, अफ्रीका के टाइम पर देखेंगे इनको। आई हैव द मैप, वर्ल्ड मैप, जिसमें ये सारे कंट्रीज दिखा रखे हैं, ठीक है। यू आर एबल टू वॉच ऑल द 13 कंट्रीज जो जीरो डिग्री लाइन पर हैं। लेकिन हमारा कंसीडर इससे नहीं है, अभी हमारा कंसीडरेशन इससे नहीं है, जस्ट मूव अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक का पार्ट समझ में आ गया एवरीवन? ओके, तो क्लास को एक बार और लाइक और शेयर कीजिए, एक बार क्लास को और लाइक और शेयर कीजिए। दिस इज योर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसी एक मैप से हम सारा काम करेंगे। चलिए, साउथ अमेरिका के इस कोस्ट पे पैसिफिक ओशियन है, इस कोस्ट पे पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, ठीक। और साउथ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है, दैट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ठीक। और ये रस्सियों की तरह फैली हुई है, यहां इसकी 3 ब्रांचेज हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ये माउंटेन ही बना रहा हूं मैं, जस्ट वेट। देखिए ये माउंटेन है, ठीक है, व्हाइट वाला स्ट्रक्चर भी माउंटेन है। इसे हम कहते हैं कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा डी एंडीज, कॉर्डिलेरा डी एंडीज। यस, यहां की माउंटेन का नाम है एंडीज, कॉर्डिलेरा डी एंडीज कहते हैं इसको। कॉर्डिलेरा का मतलब होता है रस्सी, कॉर्डिलेरा का मतलब होता है रस्सी, समझो जरा इस चीज को। व्हाट आई वांट टू टीच यू, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। और यहां हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से हमें 2-3 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं माउंटेन्स की, फिर बाद में जाकर ये इकट्ठी हो जाती हैं, फिर ये ब्रांचेस टूट जाती हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग माउंटेन जा रहा है इस तरह से, और ये माउंटेन एक इधर आ रही है। तो बीच का जो हिस्सा है ये वाला, इसे हम कहते हैं पठार, प्लेटू, प्लेटू यानी अंतः पर्वतीय पठार,
अंतः पर्वतीय पठार, इंटरमोनेट प्लेटू, पहाड़ों के बीच में पठार है, पहाड़ों के बीच में पठार है, ठीक। ऐसे पठार जो पहाड़ों के बीच में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमोनेट प्लेटू, दे आर नोन एज इंटरमोनेट प्लेटू। यस, ओके एवरीवन, एक बार क्लास को और दबा के शेयर कर दीजिए। इंटरमोनेट प्लेटू समझो, बहुत आसान तरीका है पठारों को समझने का, मैं पहले बता चुका हूं। आप जिस कमरे में बैठे हो उसके एक तरफ ये दीवार, दूसरी तरफ ये दीवार, दो दीवारें हैं, ये दोनों दीवारें माउंटेन हैं, और बीच में जो आपकी छत है ऊपर से जो फ्लैट है उसे मान लीजिए प्लेटू, पूरी की पूरी जमीन ऊपर उठ गई और बन गया प्लेटू, ठीक। तो प्लेटू भी ऊंचा है और माउंटेन भी ऊंची है, तो ऐसे प्लेटू जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं इंटरमोनेट, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बोलीविया प्लेटू, बोलीविया प्लेटू, बोलीविया का पठार। ऐसे ही एक और है इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है। ये बोलीविया पठार जो है वो पेरू कंट्री तक चला जाता है, इसका कुछ पार्ट पेरू तक चला जाता है। चलिए एक बार और समझा रहा हूं, दीवारें आपकी माउंटेन है और दीवारें ज्यादा ऊंची हैं, छत थोड़ी सी नीचे है, छत तो है लेकिन नीचे है मान लेते हैं, ठीक है, छत थोड़ी सी नीचे है लेकिन वो क्या बन गया प्लेटू। पहाड़ों के बीच में प्लेटू है, काफी हाइट पर है तो मौसम अच्छा होगा, बीच बीच में कुछ मैदान मिलेंगे, तो एक टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, इस टर्म को याद कर लेना, जो बोलीविया पेरू इक्वाडोर के इलाकों में जमीन ऊपर उठी हुई है पहाड़ों के बीच में, इंटरमोनेट प्लेटू है या वहां पर मैदान है कुछ कुछ, उन्हें हम कहते हैं एंट पिलानो। ये वर्ड आप याद रखेंगे, इसकी हिंदी नहीं है, इस वर्ड को हम कहते हैं एंट पिलानो, सॉरी ए एन टी, एक स्पेशल नाम है एंट पिलानो, और ये पूछा जा सकता है एंट पिलानो। एंट पिलानो ऐसे मैदान होते हैं जो माउंटेन्स के बीच में पाए जाते हैं, छोटी छोटी ये घाटियां होती हैं, ठीक है, एंट पिलानो। हमारे कश्मीर में भी मिलती है कश्मीर घाटी, वैसा ही ये मैदान है एंट पिलानो, पहाड़ों के बीच में एक मैदानी भाग। और यहां का सिविलाइजेशन बहुत अलग था, यहां की सभ्यता बिल्कुल अलग थी। थैंक्स लॉट, दिस इज नोन एज एंट पिलानो, ठीक है, किसी किताब में नहीं मिलता, नई रिसर्च, नई चीजें हैं तो आपको जानना चाहिए। तो एंट पिलानो माउंटेन कहते हैं इसको, एंट पिलानो सॉरी प्लेन्स, याद रखेंगे। एंट पिलानो कहां मिलता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर है, एंडीज के बीच में जो पठार है वहां पर मैदान। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, आपके कमरे में इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, बीच में क्या है प्लेटू है, ठीक, फ्लैट है। ऐसा ही फ्लैट प्लेटू, प्लेटू क्या है फ्लैट, तो ऐसे फ्लैट प्लेटू पर कुछ ना कुछ शहर होंगे, सिटीज, वो कैपिटल होंगी मान लो, तो दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल्स मिलती हैं यहां पर, ठीक। ऐसे ही इसी फ्लैट प्लेटू पर कुछ झीलें होंगी, तो दुनिया की सबसे ऊंची झील भी वहां मिलती है। तो याद रखेंगे, ये जो मैंने प्लेटू बनाए हैं, जो पठार मैंने ये बनाए हैं बोलीविया और ये बाकी प्लेटूज, इंटरमोनेट जो मैंने आपको बताया, इनके बीच में यहां पर एक लेक मिलती है, झील, इसका नाम है टीटिकाका, टीटिकाका, क्या कहते हैं इसको, टीटिकाका लेक, और इसका फेमस नाम है हनीमून लेक, हनीमून लेक, समझो क्या है, बहुत ऊंचाई पर एक लेक है, ठीक, और इस लेक में चलती है नौकाएं,
क्या चलती हैं? बोट्स चलती हैं, ठीक है, बोट चल रही है, ऊपर चांद है, बगल में हनी है, तो हनी मून लेक, याद रखेंगे इसको। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ये जो झील है, ये ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यहां पर चलती है बोट्स। क्या चलती है? बोट्स, नाव। तो इसीलिए कहते हैं इसे वर्ल्ड हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, विश्व में सबसे ऊंची, नो वहन योग्य झील, ठीक है। तो मैंने हनीमून की डेफिनेशन दे दी थी, उस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि कौन सी लेक किस हाइट पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, लेक टिटिकाका या लेक हनीमून लेक कहते हैं इसको, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक। सिलेक्शन हो गया तो यहीं जाना। देखो थोड़ा सा स्पीड हम थोड़ा तेज रखेंगे, ठीक है, एंड इट्स ए गारंटेड थिंग कि जो आपने अब पढ़ा है वो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा कभी, जिस तरीके से हम कॉन्टिनेंट्स को करेंगे। चलिए देखते हैं इसको आगे बढ़ के। देखो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दी, यहां पर स्ट्रक्चर को नाम दे दिया मैंने एंटपिलानू, एंटपिलानू, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए एक बार क्लास को और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखो एंडीज यहां की सबसे ऊंचा भाग है, एंडीज मतलब साउथ अमेरिका में सबसे ऊंचा पार्ट है, सबसे ऊंचा, जैसे इंडिया में सबसे ऊंचा हिमालय है तो हिमालय से नदी निकल जाती है गंगा, वैसे ही एंडीज से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है एंडीज माउंटेन रेंज से, और इस नदी का नाम है अमेजन, अमेजन रिवर, अमेजन रिवर। छोटी छोटी दो चार बातें समझनी है इसके बारे में। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया में दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड रैंक पे आती है लंबाई के मामले में, और फर्स्ट रैंक पर आती है ये वाटर फ्लो के मामले में, वाटर फ्लो के मामले में, जल परिवहन के मामले में, मतलब बहुत ज्यादा पानी लेकर जाती है ये नदी, इतना पानी है कि दुनिया में नंबर वन रिवर है ये पानी के मामले में, ठीक है। पानी के मामले में ज्यादा पानी का मतलब क्या हुआ, ये नदी ज्यादा चौड़ी है, इट इज द ब्रॉडेस्ट रिवर, घर में हम पाइप यूज करते हैं, ठीक, ज्यादा पानी चाहिए तो बड़ी पाइप यूज करनी पड़ेगी, तो ये नदी जो है इसकी पाइप बहुत बड़ी है, मतलब ये नदी बहुत चौड़ी है। ऐसा देखा गया है कि किसी किसी एरिया में ये नदी 150 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी है, कितना बोला मैंने, अराउंड 150 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना, इतनी चौड़ी है कि कहीं कहीं पर 150 किलोमीटर एरिया कवर कर लेती है, तो 150 किलोमीटर लंबी मोटी पाइप है इसकी, मोटी। इंडिया में सबसे बड़ी नदी हम मानते हैं गंगा को, लेकिन गंगा से भी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, उसमें पानी क्या आता है, ज्यादा आता है। ये इंडिया कंटेक्स्ट था, ये वर्ल्ड कंटेक्स्ट है, ठीक। अमेजन वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, सबसे ज्यादा पानी परिवहन करने वाली नदी पूरे वर्ल्ड में, अमेजन, सब जानते हैं इस बात को, कुछ कुछ सुना होगा आप लोगों ने, अब नहीं सुना होगा जो बताऊंगा। देखिए हमने किया था 0 डिग्री लाइन, कौन सी लाइन थी, हमें यहां से गुजर रही थी, दैट इज इक्वेटर 0 डिग्री। तो अमेजन नदी जहां समुद्र में अपना पानी गिराती है, कौन से समुद्र में गिराती है, अटलांटिक ओशियन में,
अमेजन पानी कहाँ गिरा रही है? अटलांटिक ओशियन में, जहां ये समुद्र में पानी गिराती है वहां पर इक्वेटर क्रॉस करती है। तो अमेजन का जो माउथ है इट इज ऑन द इक्वेटर, वो इक्वेटर पर है, ठीक, विषुवत रेखा पर अमेजन का मुहाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर अमेजन एक आइलैंड बनाती है, अमेजन यहां पर एक आइलैंड बनाती है, रिवर आइलैंड। ठीक है, अमेजन यहां पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जैसे गंगा इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी आइलैंड बनाती है माजुली, वैसा ही एक आइलैंड यहां पर है, नाम सेम मिलता जुलता है, मराजो, मराजो आइलैंड। एटलस देखेंगे आप तो आपको यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, मराजो, नोबडी नोज अबाउट इट, ठीक है, इट इज अ आइलैंड मेड बाय द अमेजन रिवर, यस मराजो, वेरी गुड। एक बार क्लास को और शेयर कीजिए। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हमें मिली अमेजन के बारे में, अमेजन रिवर बहुत बड़ी नदी, सेकेंड लॉन्गेस्ट, पानी ज्यादा है तो इसकी पाइप बहुत मोटी है, वाइडेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वाइडेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, पानी ज्यादा ले जाती है, जहां इसका पानी समुद्र में गिरता है वहां पर एक आइलैंड भी है और इक्वेटर भी वहां से क्रॉस करती है। द नेम ऑफ द आइलैंड इज माराजो, ठीक, दिस इज अबाउट द अमेजन रिवर। अब कुछ ऐसी बातें समझते हैं या सुनते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो और दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। चलो समझो, देखो ये अमेजन जो है पूरे साउथ अमेरिका का, पूरे साउथ अमेरिका का 40%, पूरे साउथ अमेरिका का 40% एरिया फ्लो करती है, 40% एरिया फ्लो करती है। एक चीज समझो जरा, साउथ अमेरिका जितना भी बड़ा है उसका 40% जो एरिया है वहां पर जितना भी पानी बरसेगा वो सारा का सारा अमेजन में जाएगा। जितनी भी बारिश होगी उस 40% एरिया की, मैंने गोला सा बना दिया, उतना मैप क्लियर नहीं है ये, ठीक है, 40% एरिया को कवर करती है, फ्लो करती है, कौन, अमेजन रिवर। एक सिंगल नदी 40%, बहुत बड़ा एरिया हो गया, इट्स अ वेरी बिग एरिया। तो साउथ अमेरिका का 40% एरिया फ्लो करने वाली रिवर का नाम है अमेजन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां भी होंगी, ट्राइब्यूटरीज या सब्सिडरीज, जो सहायक नदियां हैं। तो याद रखना इसकी सहायक नदियां इतनी लंबी हैं, बहुत लेंथ वाली नदियां हैं इसकी, इसके अलावा कोई और नदी है नहीं जितनी लंबी हो, लेकिन एक नदी है जो साउथ अमेरिका में अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी या सब्सिडरी ऑफ अमेजन रिवर इज मैडीरा, मैडीरा रिवर इज मैडीरा रिवर। ओके बच्चा, तो याद रखेंगे इट इज अ मैडीरा रिवर जो सबसे लंबी नदी है साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर की सहायक नदी में, ठीक है। तो बाकी साउथ अमेरिका के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां तक रखिए इसको, इस पार्ट को। तो आई थिंक इट विल टेक अराउंड 2 to 3 क्लास, आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड हो जाएगा। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, व्हाट इज योर होमवर्क, आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज की कैपिटल याद करनी है, ठीक है। ओके देन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है ऑन CDS, हाँ, काफी बड़े जंगल है, सेलवास जंगल हम करेंगे, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल, प्लीज जरूर बनिए रहिएगा क्लास में और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।